रौरे मुन के जोहार। तो आशा करे थी कि तोहिन मन अपन अपन घर में सुरक्षित होबा, बेसे बेसे रहत होबे और अच्छा रीति से पढ़ाई करत होता। तो आज हम नागपुरी व्याकरण कर अगला अध्याय में जाबई। वचन के बारे में हम पढ़बई कि वचन नागपुरी अध्याय में नागपुरी व्याकरण में का होवेला, उकर बारे में हम जानने कर कोशिश करबई। तो ज़्यादा देर ना करत होते आज के जो क्लास है के शुरू करबई। तो तोहिन कॉपी किताब लेके बैठ जावा और जे भी तोहिन के मेन पॉइंट लगता हो मन के नोट डाउन करबा, और कुछो कुछो भी प्रॉब्लम होबा होता हो तो तोहिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर कमेंट करबा, ताकि मैं और बेस से आने वाला वीडियो के और बेस से मैं बनाए के लानबाऊ। तो आज की क्लास शुरू करती कि आज वचन का होवेला नागपुरी व्याकरण में, उकर बारे में हम पढ़वाई। तो देरी ना करते हुए आज का क्लास के शुरू करती। तो सबसे पहले हमें ये जानने की आवश्यकता है कि ये वचन होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वचन क्या होता है। शब्द कर जे रूप से संज्ञा सर्वनाम मनक संख्या कर रूप पता चलेला, ओके व्याकरण में वचन कहल जाएला, है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो संज्ञा है सर्वनाम है या संख्या है, उसके द्वारा जो भी संख्या का रूप पता चलता है ना। जो भी संज्ञा है सर्वनाम है उसके द्वारा जो संख्या का रूप पता चलता है वो कितने संख्या में है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वचन कहते हैं व्याकरण में, है ना। जैसे किताब, यहाँ से क्या होता है, किताब बोलने से सिर्फ एक किताब का बोध होता है, लेकिन उसके बगल में क्या, किताब मन से बहुत सारे किताबों का बोध हुआ। आदमी, आदमी मन, छोड़ा, छोड़ा मन, तो मतलब ये सब से एक संख्या या अनेक संख्याओं का बोध होता है। यहाँ पे एक किताब है या अनेकों किताब है, यहाँ एक आदमी है, यहाँ दो आदमी है, तीन आदमी है, चार आदमी है, मतलब इस सबसे संख्या का रूप पता चलता है ना, सर्वनाम या संज्ञा और सर्वनाम में, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। तो हम लोग आगे जाएंगे, अब हम जानेंगे, एक मिनट, अब जानेंगे कि वचन कर क्या कितने भेद हुए ला नागपुरी भाषा में। तो कर बारे में अब हम जान भाई। तो नागपुरी भाषा में वचन दुई किस्म कर आहे, है ना। नागपुरी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि यह बहुवचन होता क्या है। तो बहुवचन हम उसे कहते हैं, वैसे शब्द को कहते हैं, जिसके रूप में खाली एक आदमी या चीज वस्तु कर पता चलेला, है ना। क्या बोलता है, शब्द का जे रूप से खाली एक के आदमी या चीज वस्तु कर पता चलेला, है ना। ऐसा शब्द से जहाँ पे सिर्फ एक आदमी या चीज़ों का पता चलता है ना, उसको क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। जैसे किताब, आदमी, घोड़ा, गाय, है ना। तो ये सबको क्या कहते हैं, एक वचन। किताब बोलने से जब भी कोई शब्द रहता है उसमें मेरे पास किताब है, तो मेरे पास किताब है का मतलब मेरे पास सिर्फ एक ही किताब है ना। आदमी, आदमी से सिर्फ एक आदमी का बोध हो रहा है। घोड़ा, घोड़ा कहने से एक घोड़ा का बोध हो रहा है। और गाय, गाय कहने से सिर्फ एक गाय का बोध हो रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे, अगला है बहुवचन, ठीक है। अगला है बहुवचन। बहुवचन में क्या बोल रहा है, शब्द का जे रूप से अनेक आदमी या वस्तु मानक कर संख्या पता चलेगा, है ना। वैसा शब्द से जहाँ पे आदमी या वस्तुओं के संख्या का पता चलता है, मतलब अनेक संख्या का, है ना। अनित मतलब क्या हो गया, अनेक, अनेक संख्या का, मैंने अनेक आदमी या अनेक वस्तुओं के संख्या का पता चलता है। अर्थात जो एक वचन है, मतलब उसमें एक किताब का, एक वस्तु का, एक आदमी का ज्ञान हुआ था, वही चीज़ अगर ये एक से ज़्यादा है ना, एक से ज़्यादा है, दो से ज़्यादा है, तो ये सब क्या होगा,
बहुवचन कहलाएगा। ठीक है, अनेक आदमी या अनेक वस्तुओं का क्या करता है, संख्या का पता चलता है। जैसे किताब मन, आदमी मन, छोड़ा मन, घोड़ा मन, मतलब किताब मन, मतलब मैं किताबों का संख्या ज़्यादा है, एक नहीं है ज़्यादा है। आदमी मन, आदमी मन क्या हो गया, यहाँ पे अनेक आदमी हैं, बहुत सारे आदमी हैं। और घोड़ा मन, घोड़ा मन मतलब यहाँ ढेर सारा घोड़ा है। छोड़ा मन मतलब यहाँ पे बहुत सारे लड़के लोग हैं। छोड़ा मतलब नागपुरी भाषा में छोड़ा कहते हैं, जिसको हिंदी में लड़के कहते हैं, तो मतलब यहाँ पे बहुत सारे लड़के हैं। तो इससे क्या हुआ, एक अनेक संख्याओं का बोध हुआ, किसी वस्तु का, किसी आदमी का, मतलब अनेक वस्तुओं का क्या हुआ, बोध हुआ है, तो वही क्या है, बहुवचन कहलाता है। ठीक है, आगे है, अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नागपुरी में वह एक वचन से बहुवचन बनाए कर नियम, मतलब यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे, तीन पॉइंट है, तीन पॉइंट में हम ये जानेंगे कि एक वचन जो होगा शब्द, उसको हम बहुवचन कैसे बनाएंगे। ठीक है, जैसे पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, संज्ञा शब्द में मन प्रत्यय जोड़ के एक वचन से बहुवचन बनाए नियम आए, मतलब जो संज्ञा है या सर्वनाम है जिसमें हम मन शब्द को जोड़ेंगे, मन प्रत्यय को जोड़ेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। जैसे घर, घर में मन जोड़िए घर मन, छुआ में छुआ मन, बोतल में बोतल मन, कुर्सी में कुर्सी मन, है ना। तो ये सबसे हम लोग मन का प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये एक वचन से बहुवचन बन जाएगा। दूसरा, कखनो कखनो संज्ञा शब्द में मन प्रत्यय नी जोड़ के मने सौभ शब्द जुड़ल जाए ना, है ना। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर हम मन प्रत्यय नहीं जोड़ेंगे तो वहाँ पे क्या शब्द जोड़ेंगे, सौभ। ठीक है, सौभ शब्द अगर हम यहाँ पर मन प्रत्यय नहीं जोड़ रहे हैं अंत में, और मन प्रत्यय के बदले सौभ शब्द का वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसके द्वारा भी हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। जैसे हम देखिए, आदमी, आदमी मने, है ना, किताब, किताब सौब, किताब सौब, है ना, सौब आदमी, सौब किताब, सौब घर, मतलब इस तरह से हम लोग बहुवचन बना सकते हैं। ठीक है, तीसरा देखिए, संज्ञा कर पहले संख्यावाचक विशेषण, एक मिनट, संख्या कर, तीसरा पॉइंट देखिए, संज्ञा कर पहले संख्यावाचक विशेषण का व्यवहार करल जाएला तो मन चाहे सब शब्द नहीं जोड़ल जाएला, मतलब वैसा संज्ञा है, वैसा शब्द है जिसके सामने में हम संख्या का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसी संख्या का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर मन शब्द, मने, सौब, ये सब का प्रयोग नहीं करना है, तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग संख्या का प्रयोग करेंगे। जैसे नीचे देखिएगा, यहाँ पे जैसे एक किताब, दुई किताब, एक मोबाइल, तीन मोबाइल, एक चेंगना, पांच चेंगना, मतलब हम लोग यहाँ पे संज्ञा का प्रयोग कर रहे हैं। अगर एक एक किताब बोल रहे हैं तो एक वचन का बोध हो रहा है, और हम लोग दुई किताब बोल रहे हैं तो बहुवचन का बोध हो रहा है, एक मोबाइल बोल रहे हैं तो एक वचन, तीन मोबाइल बहुवचन। तो इसी तरह से हम लोग एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। सबसे पहला क्या है कि उसमें मन प्रत्यय जोड़ेंगे अंत में तो उससे बहुवचन बनेगा, या फिर मन नहीं जोड़ रहे हैं तो मने और सौब ये शब्द का प्रयोग करेंगे तो भी बहुवचन बनेगा। और अगर हम मन, मने, सौब का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और उसके शब्द से पहले में हम संख्या का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके द्वारा भी हम एक वचन और बहुवचन बना सकते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पे आज का ये जो वचन है, वचन अध्याय है नागपुरी भाषा में, यहाँ पे समाप्त होता है। तो जो भी समस्या हुआ होगा वीडियो में, अगर हम आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो उन सबको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, ताकि मैं कमेंट देखूँ और मैं आप लोगों का सहायता कर सकूँ। तो वीडियो को देखते रहिए और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टैप कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो को आप लोगों के समक्ष ला पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छी रीति से पढ़ाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।